मुताबिक सरकार दा ये फैसला है कि नॉर्थलैंड जिथे के पहला रेड लाइट सिस्टम सी उस नूं हुण मूव करके ऑरेंज ते कर दिता गया है। बीती रात 11:59 तो नॉर्थलैंड भी पूरे न्यूजीलैंड दे नाल हुण ऑरेंज लाइट सिस्टम दे विच मूव हो चुका है। उधर ओमिक्रोन आउटब्रेक से गल करदे प्रधानमंत्री ने कहा है कि ओमिक्रोन दे केसां नूं कम्यूनिटी विच आउण तों रोकिया नहीं जा सकता, पर उन्हां नूं किस तरीके दे नाल संभालना है इस दे बारे साडे कोल खास टूल उपलब्ध ने। उन्हें कहा कि बहुत सारे ट्रैफिक लाइट सिस्टम दे विच अजिहे नियम ने जिस दे नाल आउटब्रेक नूं घट कीता जा सकदा। उन्हां वी कहा कि जेकर आउटब्रेक हुंदा है तां लॉकडाउन नहीं होएगा। हालांकि पूरे न्यूजीलैंड नूं रेड ट्रैफिक लाइट सिस्टम दे विच अगले 24 तों 48 घंटे दे विच मूव कर दिता जाएगा। बीते दिन न्यूजीलैंड दे विच कोविड-19 दे कम्यूनिटी विच 39 नवे केस दर्ज किए गए ने। इन्हां विचों 21 केस ऑकलैंड दे विच, 14 केस लेक्स दे विच, 2 केस हॉक्सबे दे विच, 1 कैंटरबरी ते 1 वेस्ट कोस्ट दे विच दर्ज किया गया। उधर कैंटरबरी ते वेस्ट कोस्ट दे केस नूं अज दे केसां दे विच शामिल किया जाएगा। इसे दे नाल 21 कोविड-19 दे नाल पॉजिटिव मरीज इस समय हस्पतालां दे विच भर्ती ने। जेकर ओमिक्रोन की गल करिए तां ओमिक्रोन दे केस कम्यूनिटी दे विच आ चुके ने, जिथे पहला बीते एतवार एक MIQ दे वर्कर नूं कोविड दे ओमिक्रोन वेरिएंट नाल पॉजिटिव पाया गया सी। उत्थे ही बीते बुधवार एक एयरपोर्ट ऑकलैंड एयरपोर्ट ते काम करने वाले कर्मचारी नूं भी ओमिक्रोन पॉजिटिव पाया गया। यह कर्मचारी MIQ कर्मचारी का ही हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट है। इस केस के 39 नवे नज़दीकी संपर्क सामने आए ने, जिन्हों के वचों हुण तक 13 के टेस्ट नैगेटिव आ चुके हैं। इतने सरकार के वालों भी दसाया गया कि 1 दिसंबर 2021 तो लैके हुण तक बॉर्डर के उत्ते 440 ओमिक्रोन के केस सामने आ चुके हैं। वाइकाटो ऑकलैंड ते नॉर्थलैंड दे विच बीते साल अद्धे तों वध स्कूलां दे विद्यार्थियों दे वल्लों स्कूल अटेंड नहीं किए गए। इसका कारण कोविड-19 आउटब्रेक सी। जी हाँ, कोविड-19 दा आउटब्रेक के कारण बहुत सारे स्कूलों के विद्यार्थियों ने क्लासरूम मिस किए ते इस दे नाल ज़्यादातर पढ़ाइया ऑनलाइन हुई। जेकर अंकड़ों की गल करिए तो बीते साल 2021 दे विच 43% तो ज़्यादा विद्यार्थी एबसेंट रहे ने। तो इस नाल जेकर 2020 के अंकड़ों की गल करिए तो यह सिर्फ 10% सन। इस समय जिथे ओमिक्रोन दे कम्यूनिटी विच फैलन का डर पिया, उत्थे ही मापिया नूं बच्चों के स्कूलों का भी काफ़ी ज़्यादा डर है कि जेकर कोविड-19 का ओमिक्रोन वेरियंट कम्यूनिटी विच आउंदा है तो की स्कूल बंद होणगे जां नहीं। इसे एजुकेशन मिनिस्टर क्रिस हिपकिंस ने ताज़ा बयान दिता। क्रिस हिपकिंस मुताबिक वह तो सरकार नहीं चाहती कि स्कूल बंद रहन। उन्हें कहा कि ओमिक्रोन जेकर कम्यूनिटी विच आता है तो स्कूल बंद नहीं किए जाएंगे, हालांकि कुछ क समय के लिए यह हो सकता है। उन्हें भी कहा कि वह भी चाहते हैं कि ज़्यादातर इस साल स्कूल खुले ही रहन ताकि बच्चों की पढ़ाई के उत्ते कोई खास असर ना हो। न्यूजीलैंड पुलिस के वालों तारानाकी के छापेमारी करके मैथफेटामाइन कैश के हथियार बरामद किए ने। इस दे नाल पुलिस के वालों एक 60 साल व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया। जानकारी मुताबिक पुलिस ने बीते दिन साउथ तारानाकी के उपनाके दे विच सर्च वारंट जारी करके इस सब का पर्दाफाश किया। गिरफ्तार किए उक्त व्यक्ति को हावेरा जिला अदालत दे विच बीते दिन पेश किया गया। उत्थे पुलिस दे वल्लों मैथोफेटामाइन ड्रग्स ते इलीगल तरीके दे नाल रखे गए हथियार भी बरामद किए गए ने। पुलिस के मुताबिक इस व्यक्ति को फिलहाल कस्टडी दे विच ही रखा जाएगा ते सोमवार दोबारा तो कोर्ट दे विच पेश किया जाएगा। इस हुण तक दीआं कुछ खास खबरां, नवीआं ते ताज़ा तरीन जानकारियां दे लई तुसीं बने रहो साडे आला टीवी दे नाल। हुंदे हुए इजाजत, सति श्री अकाल।